वर्जन। हेलो, मंगल सिंह, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। आप डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना? अपन फिर से शेयर कर रहा हूँ। आवाज तो आ रही है ना मेरी अभी? क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब ओके ओके ओके। जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर दीजिए। मंगल सिंह अनम्यूट कर दो। कहाँ पे थे अपन? लीड स्क्रू का यूज कहाँ करते हैं? तब जब भी अपन मोशन देते हैं, जब अपन को थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है, तभी अपन इसको यूज करते हैं। अदरवाइज इसको बंद रखा जाता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के भाई चार तरह के होती हैं। एक तो बेंच लेथ होता है, दूसरा स्पीड लेथ होता है, तीसरा इंजन लेथ होता है, चौथा टूल रूम लेथ होता है। जो अपन देखते हैं वो इंजन लेथ और टूल रूम लेथ देखते हैं। और अपने वर्कशॉप में जो एक लेथ मशीन पड़ी हुई, दो लेथ मशीन है एक्चुअली, वो आपकी क्या है? स्पीड लेथ है, जो मतलब आपका वुड टर्निंग के लिए यूज होती है, तो वो स्पीड लेथ होती है। पहले जो यूज होती थी वो सबसे पहले जो यूज में आई वो आपकी बेंच लेथ थी। वो इट इज अ वेरी स्मॉल लेथ, बहुत छोटा। इट इज माउंटेड ऑन द सेपरेटली प्रिपेयर्ड बेंच। पहले जो बेंच जो है वो सेपरेटली प्रिपेयर्ड रहती है, उसके ऊपर माउंट रहता है आपका वो, एंड यूज फॉर द स्मॉल वर्क्स ओनली। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्पीड लेथ। दे डू नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ द प्रॉपर फीड। यहाँ पे अपन फीड को फीड अपन ये फीड है आपका यहाँ पे, और अपन हैंड व्हील या यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपका पावर फीड भी रहता है, पर आपका स्पीड लेथ में आपका कोई प्रोविजन नहीं है पावर फीड होने का या फिर गियर बॉक्स का। एंड हैव नो गियर बॉक्स और द कैरेज और द लेड स्क्रू। स्पीड लेथ में ये सब चीजें नहीं रहती हैं, गियर बॉक्स नहीं रहता है, कैरेज नहीं रहता है और लेड स्क्रू नहीं रहता है। दे आर यूज फॉर द वुड टर्निंग, मेटल स्पिनिंग। मेटल स्पिनिंग के बारे में आगे आएगा, बताऊंगा मैं। एंड स्प्रिंग वाइंडिंग और पॉलिशिंग, इन सब के लिए आपका स्पीड लेथ यूज होता है। इंजन लेथ, इंजन लेथ तो जो अपन प्रोडक्शन में अपन देखते हैं वो आपकी इंजन लेथ है। इन ओल्डेस्ट डेज द लेथ वाज ड्रिवन बाय स्टीम इंजन, हेंस द नेम इज स्टिल इज एग्जिस्टेंस। मतलब अभी आजकल क्या यूज होता है? मोटर ड्राइव यूज होती हैं। पहले जो होता था आपका स्टीम इंजन यूज होता था, पहले आपका स्टीम इंजन यूज होता था, तो स्टीम इंजन यूज होता था, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंजन लेथ रखा गया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, जो अपन देखते हैं सेंटर लेथ देखते हैं वो आपका इंजन लेथ होता है। और उसके बाद करते हैं, इसके बाद टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ एक्चुअली में इंजन लेथ ही होता है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन आपका अटैचमेंट रहते हैं, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया टूल रूम लेथ। इट इज नथिंग बट द इंजन लेथ प्रोवाइडेड विद सम एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स फॉर द प्रिसीजन वर्क। प्रिसीजन वर्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट करते हैं इन द टूल रूम, लाइक टेपर टर्निंग। अगर अपन को टेपर टर्निंग करनी है तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट अपन लगा सकते हैं, कॉलेट लगा सकते हैं, फॉलोवर रेस्ट लगा सकते हैं। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कॉलेट्स क्या है आपका? कॉलेट आपका क्या है? चक होता है एक टाइप का। और फॉलोवर रेस्ट क्या होता है? वो ये एज अ होल्डर काम करता है, टूल होल्डर काम किया करता है ये। आगे इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो वर्कपीस को फिक्स रख वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे
एक तो चक होता है, दूसरा फॉलोवर रेस्ट होता है, और सारे होते हैं, लेथ डॉग होता है और फेस प्लेट होता है, ये सब क्या है, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो उन सबको ऐड कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, टूल रूम लेथ होता है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस तो वर्कपीस को होल्ड करता हो उसकी डिवाइसेस, सबसे पहला आता है चक। आपको मैंने बोला था चक, आपका ये चक है, ठीक है, इस पे वर्कपीस को फिक्स किया जाता है। चक आपका रोटेट होता है तो उसी के साथ साथ आपका वर्कपीस भी रोटेट होता है, ठीक है। तो चक अलग अलग टाइप के होते हैं, थ्री जॉ चक होता है, फोर जॉ चक होता है, कॉलेट चक होता है, न्यूमेटिक चक होता है, मैग्नेटिक एंड वैक्यूम चक होता है। डायग्राम से देखें, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए, थ्री जॉ चक में आपके थ्री जॉज होते हैं और यहाँ पे आपका स्लॉट बना हुआ है, इसकी हेल्प से ये स्लॉट आपके बने हुए हैं, यहाँ इसकी हेल्प से यहाँ पे इसको इस स्लॉट को रोटेट करवा के जॉज को ऊपर से बाहर से अंदर की ओर लेके आया जाता है। यहाँ पे आपका वर्कपीस लगा हुआ रहता है, जो वर्कपीस के साथ तीनों जॉज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। थ्री जॉ चक का यूज वहां होता है जहाँ पे आपका जॉब रेगुलर हो, मतलब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट आपका कॉन्स्टेंट हो, वहीं पे आपका थ्री जॉ चक होता है यूज। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो चक वो जो जॉज का जो मोशन है वो तीनों का सेम मोशन होता है। अगर ये अंदर की ओर आता है तो ये दोनों भी अंदर की ओर आएंगे, तो मतलब इसका मोशन इस पे और इस पे डिपेंड करता है, तीनों साथ साथ अंदर आते हैं तो फाइनली वो वर्कपीस के साथ टकराते हैं। अब अगर वर्कपीस आपका इरेगुलर होगा तो कोई जो आपका टच वर्कपीस के साथ टच करेगा, कोई जो होगा कुछ जो ऐसे होंगे जो वर्कपीस के साथ टच नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये रेगुलर आपका जॉब है, तो यहाँ से अगर अंदर आएगा जॉब और यहाँ से अंदर आएगा और यहाँ से अंदर आएगा तो तीनों साथ में अंदर आते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ही टकराएगा तो ये वाला जो इस वाले पॉइंट पे टकराएगा, ये वाला जो इस वाले पॉइंट पे टकराएगा, ये तीन जॉब हो गए और ये रेगुलर आपका इंटरवल का हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका वर्कपीस कुछ ऐसा है, इरेगुलर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो तीनों साथ में जॉज तो तीनों साथ में नीचे आएंगे, तो ये आपका यहाँ से तो टकराएगा, ये हो सकता है ये इधर ही रुक जाए और ये आपका यहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर रेगुलर होता तो ये ऐसा होता, सर्कुलर टाइप का, ठीक है, सर्कुलर टाइप का होता और ये यहाँ पे टकराता, ये भी इधर टकराता, पर इसके इरेगुलर के होने की वजह से अब ये इधर टच हो गया, तो जैसे और रोटेट कराओगे और अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करोगे, ये इसकी चाबी है, यहाँ पे लगी हुई रहती है चाबी, ये आपको चाबी है लगी हुई रहती है, ये इधर ये चाबी लगी हुई रहती है, इसको अगर और रोटेट कराओगे तो ये नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वो टच हो चुका है, तो मतलब ये इधर आपका यहाँ पे गैप रह गया, यहाँ पे भी आपका गैप रह गया। तो इरेगुलर जॉब्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फोर जॉ चक यूज करते हैं। तो फोर जॉ चक देखिए आपका ये है, जिसमें चार जॉज होते हैं, एक दो तीन चार, तो और चार अलग अलग स्लॉट रहते हैं, चार अलग अलग स्लॉट रहते हैं और इंडिपेंडेंटली आप ये मूव हो सकते हैं। मतलब इसको आप अगर मूव करा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये मूव हो, अगर इसको मूव करा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये मूव हो, तो मतलब आपका ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। तो अगर अब ये बात करें, अगर इरेगुलर जॉब्स की बात करते हैं, तो इस केस में जैसे ये वाला ऊपर वाला, ये अभी तीन बनाए, इसको चार मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अगर ये इधर टच हो चुका है वर्कपीस में ये वाला पॉइंट, तो इसको इंडिपेंडेंटली अपन मूव करा के इधर लेके आ सकते हैं, तो गैप नहीं रहेगा, इसको भी इंडिपेंडेंटली मूव करा के इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फोर जॉ चक का यूज होता है। मेन प्रॉब्लम जो चक थ्री जॉ और फोर जॉ चक में ये है कि सेंटरिंग, सेल्फ सेंटरिंग की जाती है वर्कपीस की, जैसे कि प्योर रोटेशन दे सके वर्कपीस, मतलब उसमें जर्किंग ना हो, इसलिए अपन इसको क्या करना पड़ता है, सेंटरिंग करनी पड़ती है।
तो जैसे अपन क्या चाहते हैं, वर्कपीस का रोटेशन चाहते हैं, पर वर्टिकली ऐसे मूवमेंट होता है, वर्टिकली अगर ऐसे 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 भी इसके साथ, एक्चुअली अपन क्या चाहते हैं, रोटेशन कैसा चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि ये कंप्लीटली ऐसे रोटेट हो। पर क्या है, अगर अपन सेंटरिंग नहीं करते हैं तो जर्क की वजह से वो ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्योर रोटेशन चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, सेल्फ सेंटरिंग की जाती है, ठीक है। सेंटरिंग करके उसके बाद ही अपन यूज कर पाते हैं, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये इन दोनों में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सेंटरिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, यूज कॉलेट, कॉलेट का यूज करते हैं। तो कॉलेट में आपका यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर्ड पहले से किया हुआ है वर्कपीस लगाना होता है। ये आपके देखिए, ये इसके जॉज हैं, इसके अंदर आपका वर्कपीस जाएगा, वर्कपीस जाएगा और इसको सेंटरिंग करके ही इसको फिक्स कर देता है वर्कपीस को, ठीक है। सेंटरिंग यूज इन द टूल रूम लेथ बार ऑटोमेटिक लेथ वर्टिकल मिलिंग मशीन टू होल्ड द एंड मिल्स। तो इनमें कॉलेट का यूज किस में किया, टूल रूम लेथ का में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को मान लो एडवांस करना है कुछ लेथ मशीन में, तो उसके लिए जैसे मान लो कि अपने पास टाइम कम है, हमें सेंटरिंग के लिए टाइम नहीं है, तो उसके लिए अपन सॉरी टूल रूम लेथ का यूज करते हैं, सॉरी कॉलेट का यूज करते हैं। और कुछ ऑटोमेटिक लेथ मशीन में भी आपको कॉलेट का यूज करते हुए देखा जाएगा, और वर्टिकल मिलिंग मशीन में तो आपको ये कॉलेट का यूज होता ही है, ठीक है। तीसरा है न्यूमेटिक चक, न्यूमेटिक चक का यूज किया जाता है। न्यूमेटिक चक का अरेंजमेंट देखिए कैसा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है। ये न्यूमेटिक चक होता है, न्यूमेटिक चक में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स में यूज होता है। न्यूमेटिक चक ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क होता है और कनेक्टेड रहता है आपके मोटर से, कनेक्टेड रहता है और ऑटोमेटिकली इसका यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटिक इसका अरेंजमेंट होता है, मैकेनिज्म होता है, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका, ये है मैग्नेटिक एंड वैक्यूम चक, मैग्नेटिक एंड वैक्यूम चक, ये है आपका। इसको मैंने ये मैग्नेटिक चक दिखाया है, वैक्यूम चक नहीं दिखाया है। ये जो चक यूज होता है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में यूज होता है, जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है उसमें यूज होता है। वहां पे ये, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, मैग्नेट रहता है, मैग्नेट रहता है, डायरेक्टली आप वर्कपीस को ये उसमें फिक्स हो जाएगा, वो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या, चक का यूज क्या कहाँ करते हैं अपन, चक का यूज करते हैं वर्कपीस को फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है देखिए फेस प्लेट, ये फेस प्लेट होता है। ये फेस प्लेट का यूज कब किया करते हैं, जैसे कि अपन को नंबर ऑफ वर्कपीस ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक ये वर्कपीस है, एक दूसरा ये वर्कपीस है, एक तीसरा ये वर्कपीस पे, तो तीनों पे साथ में काम करना है, तो उसके उस केस में अपन फेस प्लेट का यूज करते हैं। यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल ब्लॉक रख सकते हो, और ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के, अलग अलग इरेगुलर शेप के आप वर्कपीस अटैच कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों अटेंडेंस नहीं अभी लगाइए, मेरे को फिर से ज्वाइन करेंगे, अभी 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर से ज्वाइन करें मेरे को, है ना।